नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर कहा कि ये हिजाब जो है वो स्कूल के लिए नहीं है। इसको लेकर के इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है वो सभी संस्थाओं को लगता है कि इनकी डैमेज कर रही है, चाहे चुनाव आयोग आप दिखा हो, वहाँ लगता है कि बीजेपी जो कहेगी वही करेंगे वो लोग। तो हिजाब जो है वो धार्मिक मामला था और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है, सभी लोगों को यहाँ पर आज़ादी है, मौलिक अधिकार सबको मिला हुआ है। अब रही बात स्कूल में हम जाएंगे तो हिजाब लगा के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये बात पहले आ जाना चाहिए था। जब ये भगवाधारी लोग हल्ला करेंगे, जब आरएसएस और एबीवीपी वाला लोग हल्ला करेगा, उसके बाद ये वर्डिक्ट आएगा, ये तो चिंता का विषय है। मामले को सही मानते कि गलत मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ सुनिए ना, ये देश सभी धर्मों से के साथ मिलकर बना है, सभी लोगों के त्याग और बलिदान के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। और पहले इस तरह की कोई बातें नहीं आ रही थी, अब तो हमको लगता है कि जो बच्चे अगर मान लीजिए सरदार के बच्चे अगर पगड़ी लगा के जाएंगे तो उस पर क्या कहेंगे लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ। इरफान जी, नहीं आप फैसले को क्या मानते, सही मानते कि गलत मानते? आप कोर्ट से बढ़कर तो मैं नहीं हूँ, कोर्ट का तो मैं सम्मान करता हूँ, कोर्ट का जो आदेश आएगा सबको मानना होगा। तो आपने यहाँ पर इरफान अंसारी को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये धर्म का मामला था और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, और हाईकोर्ट के जो हाईकोर्ट का निर्णय आया उसको लेकर के सीधा इरफान अंसारी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई हो, ना कि धर्म की बातें हो। और साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हिजाब जो है वो हमारे धर्म का मामला है। आइए अब सुनते हैं माले विधायक विनोद सिंह ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। लेकिन हमको लग रहा है किसी भी जगहों में लोगों की रहने की, खाने की, पीने की, इसकी स्वतंत्रता बनी चाहिए, कोई धर्म हो, कोई समुदाय हो, कोई हो, आप ये चीजें नहीं। और शिक्षा तो ऐसी चीज है कि शिक्षा को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, शिक्षा तो हर वर्गों के लिए हो सकता है, जिनके लिए पहनने के लिए पास भी ढंग के कपड़े नहीं हो, जिनके पास जूते भी नहीं हो, जिनके पास ये सब भी नहीं हो, ये चीजें होनी चाहिए, सरकार उनके चीजें मुहैया करे, लोगों को शिक्षा ये करने में, शिक्षा लोगों को मिले, इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इसमें सहायक भूमिका निभानी चाहिए। आपने यहाँ पर विनोद सिंह को सुना, उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा कि ये जो पूरा मामला हिजाब मामला ये एक धर्म को लेकर के है, लेकिन स्कूल में हिजाब नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो बच्चों के पास कपड़े नहीं है उन सभी को सरकार के द्वारा ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए, कि ये सारे मुद्दे सामने ना आए। अब सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। कहना ये चाहेंगे कि देश में जब 2 करोड़ लोगों के रोजगार के इशू पर बात नहीं हो रही है, जब भ्रष्टाचार पर बात नहीं हो रही है, महंगाई को मौन कर दिया जा रहा है, स्विस बैंक का पैसा जो है 100 दिन में लाने की बात हो रही थी, नारी पर अत्याचार की बात हो रही थी, लोगों को रोजगार की बात हो रही थी, तो जो इशू थे इशू को गौन करके नॉन इशू को लाने के लिए इस तरह के भ्रामक उपाय किए जा रहे हैं जिससे जनता जो है गुमराह हो, और गुमराह होने के बाद जो है लोग जो है पोलराइज हो जाएं। तो ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सब क्या मुद्दा है, बेसलेस मुद्दा है, इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। तो आपने यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सुना, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये इस तरीके की चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी, और हिजाब जो है वो एक धर्म को दिखाता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार, रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।